था रोहित, जैसे रोहितास को देखा बातर के मैया ने आज उठा करके छाती से लगा लिया, मेरे बेटा मेरे लाल, ये तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया बेटा। मैया रोने लगी है, बेटा इस परदेशों के बीच में अब मेरा कोई नहीं है, एक तो ही तो तारे तू भी छोड़ करके चला गया, अब ये मैया किसके सारे जिएगी बेटा। क्या हो गया बेटा, अभी भैया तेरे बगैर जिंदा नहीं है, मर जाएगी बेटा मर जाएगी। अरे माँ तब मेरे मुख से जागो गिले, भैया भैया अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे माँ, मेरे सब तन चढ़ गओ बेटे का दुख तो वही मां जान सकती है जिस मां ने देखा हो कि बेटे का दर्द क्या होता है, जिस मैया का एक ही बेटा हो वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो उस मैया को पूछो कि बेटे का दर्द क्या होता है। अरे काली मेरी कुआरी करवा, माताओ आज मैया बेटा रोहित को गोद में लिए हुए, बेटा तुझे क्या हो गया, क्या हो गया मेरे लाल, तेरे पीछे बेटा, तेरे पीछे बेटा तुम परदेशों में आए और आज तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है, तो बेटा मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। और मैया रोहित की बोली, लाला हम चेत गर्भ में रही, अरे नींद भरे सोई न काया में, मेरे बाल की ओ परिप्रच्छ बैठी नहीं पाई, अरे
छोरो परदेशन के पीठ बिधाता अधबरम के लूटे आज परदे और गैया सी डर लाई उमर की रोई रही महिता अरे गैया सी अब तो रोवत मैये छोड़ी के तोता पागल से उड़ी तो अब तो रोवत दुखिये छोड़ी के बेटा पागल से उड़ी तो बेटा जब खत्म हो गया हो तो मैया तारा कभी अपने पुत्र की लाश को उठा करके छाती से लगाती है कभी मुंह को चूमती है क्योंकि उस मैया का कोई दूसरा सारा नहीं था एक ही सारा था वो भी उस मैया को छोड़ करके चला गया हो तो रानी तारा रो रही है और इधर बाप का माली आ गया कहने लगा बहन इस बच्चे की लाश फट जाएगी इसे यहां से ले जा इसे शर्म ने दसाए तो आज मैया तारा जब पुत्र की लाश को लेकर के चली ये माता हो तो मैया के पास में कफन भी नहीं था आधी साड़ी को मैया ने फाड़ा और आधी फाड़ साड़ी फाड़ करके तेरे बेटा की लाश पर कफन डाल दिया आधी साड़ी का कफन बना दिया ये तारा ने और आज पुत्र की लाश को जब लेकर के चली लाश को उठाया लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि मैया दो चार कदम ही बढ़ पाई ऐसा कृपा लगा कि वो लाश की लाश कहीं पड़ी मैया कहीं पड़ी भाकर के तारा ने फिर लाश को उठी लो खा दिया मेरी लाश मेरे बेटा माताओं आज मैया रोती जा रही है बिलखती जा रही है और बेटा की लाश को लेकर के जब तारा धीमे धीमे चलती हुई जैसे ही शमशान में पहुंची रात्रि का समय है चिताएं जल रही थी चिताओं से लकड़ी निकालने लगी एकदम जैसे आग का भौ का छूटा हरिश्चंद्र ने देखा कि रात्रि के समय इस शमशान में कहने लगे कौन है भाई मरघट का नियम नहीं जानता बिना करके टका के हम लाश को जलाने नहीं देंगे आगे बढ़े निगाह पड़ी के स्त्री आज भी ये क्या देख रहा हूं कि शमशान में स्त्री को पहली बार और वो भी रात्रि के समय क्या तेरे घर परिवार वाले सब मर गए तारा खड़ी थी कहने लगी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है केवल एक ही बेटा था वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तारा तुम बोली हा तारा लेकिन मेरा बेटा कहाँ है जैसे बेटा की बात आई सोई महाराज हरिश्चंद्र के सामने तारा ने क्या किया अरे सोई कुमार की
हरी संग रोने लगे।